ये इंजन अल्तान नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुस्तफ़ा हनीफ हैं, जिनकी हूबहू शक्ल सूरत और मिजाज इंजन अल्तान से मिलता जुलता है। विजिट प्लान कर रहा हूँ तुर्की का, और विजिट अगर प्लान हो जाता है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे कि इनकी कास्ट से जो है वो मेरी मुलाकात हो जाए। तो बहुत पसंद आया ये ड्रामा, जो उसका कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़बरदस्त था, और फिर कैरेक्टर से जो है वो रिजेंबल भी मैं काफ़ी करता था, तो फिर मैंने बोला कि अब कुछ वीडियोज़ जो है वो इसके ऊपर भी जो है वो प्लान करनी चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नादरीन, आज जो शख्सियत हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो शख्सियत इस वक्त पूरी दुनिया की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही है। इंजन अल्तान जो कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में मरकजी किरदार अर्तुगरुल का अदा कर रहे हैं, तो आइए आपसे मिलवाते हैं इंजन अल्तान को। अस्सलाम वालेकुम इंजन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं, हरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो नाजरीन, खा गई ना आपकी नजरें भी धोखा, ये इंजन अल्तान नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुस्तफ़ा हनीफ हैं, जिनकी हूबहू शक्ल सूरत और मिजाज इंजन अल्तान से मिलता जुलता है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पहले से जानते थे कि इनकी शक्ल इंजन अल्तान से मिलती है, या फिर कुछ दोस्तों ने बताया, या ड्रामा देखकर मालूम हुआ? जी मुझे जो है वो पहले तो नहीं मालूम था, लेकिन जब ये है कि पाकिस्तान में ये ड्रामा आया ऑफिशियली, और इससे कुछ टाइम पहले कुछ एक दो दोस्तों ने जो है वो मुझे बताया था कि आपकी शक्ल जो है वो इस कैरेक्टर से मिलती है, तो आप इसके ऊपर क्यों कुछ प्लान नहीं करते? क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉगिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, मैं इंशाल्लाह कुछ सोचूंगा इसके ऊपर, प्लान करूंगा। लेकिन जब पाकिस्तान में ये ड्रामा आया और मैंने ख़ुद देखा तो मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रामा, जो उसका कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़बरदस्त था, और फिर कैरेक्टर से जो है वो रिजेंबल भी मैं काफ़ी करता था, तो फिर मैंने बोला कि अब कुछ वीडियोज़ जो है वो इसके ऊपर भी जो है वो प्लान करनी चाहिए, तो फिर मैंने जो है वो कुछ वीडियोज़ इसके ऊपर बनाए। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि अब आप जो है ना थोड़ा टाइम तक जो है वो बाल बढ़ाओ, तो मैंने सोचा कि अब जो है वो थोड़े बाल बड़े करके देखते हैं कैसा गेटअप आता है, तो प्लान है, मेरा इरादा है। तो आप तो हूबहू जो है वो घोड़ा आपने रखा, वीडियोस देखी घोड़े के ऊपर आपने, वो कॉस्ट्यूम भी अर्तुगरुल वाला पहना हुआ है, तो क्या आप इतने ज़्यादा इंप्रेस हैं अर्तुगरुल से, शक्ल की मुशाबत की वजह से या फिर ड्रामा देखने की वजह से? देखें, ड्रामे का कौन सा मुझे ज़्यादा पसंद आया, शक्ल तो चलें देखें, हर जो एक्टर होता है वो खूबसूरत होता है, स्मार्ट होता है, लेकिन जो ड्रामा है और जो इसका बैकग्राउंड है इस सीरीज़ का, वो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं बिल्कुल इसी तरह की एक जो है वो वीडियो बना दूँ। फिर मैंने हॉर्स अरेंज किया, कॉस्ट्यूम अरेंज किया, और फिर जो है वो ये एक्स अरेंज किया, और जो लड़का आप लोगों ने देखा होगा शायद वो उछल के गिरता है, वो बैक फ्लिप करके, वो भी मेरा एक जानने वाला, उसको भी मैंने बुलाया, और फिर मैंने ये वीडियो प्लान की। सही, आपकी वीडियो तो वायरल हुई जो आप छत पर नहा रहे थे जी, आपको पहले से दोस्तों ने बताया या मालूम था कि आपकी शक्ल जो है वह इंजन से मिलती जुलती है? जी, मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने बताया भी था, और कुछ दिनों पहले जो है वो कराची में बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो ऐसे कैजुअली मैं छत पे खड़ा हुआ था और मैंने घर वालों को भी बोला वैसे ही एक आधी वीडियो बना लो, तो वो वीडियो बहुत अच्छी बनी, तो उसके अंदर भी और रिजेंबल मैं कर रहा था, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दी, तो वो भी जो है वो काफ़ी वायरल हो गई, जिस तरह दूसरी वीडियोज़ आजकल वायरल हो रही है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन है, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो फैमिली ग्रुप्स हैं उसके अंदर आजकल यही चल रहा होता है, जो दोस्तों के ग्रुप हैं उसके अंदर भी आजकल यही चल रहा होता है, तो हर जगह एक ही, अब तो सोशल मीडिया पे भी ये एक ही चीज़ चल रही है, अर्तुगरुल जी। सबसे ज़्यादा पसंदीदा तो ऑब्वियसली अर्तुगरुल गाजी है, और इसके अलावा जो इसके दोस्त हैं करीब के, और फिर इसके अंदर एक बुज़ुर्ग दिखाएं दीन वाले इब्नुल अरबी का जो कैरेक्टर है बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंस्पायरिंग है, और इसी तरह जो है वो और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं जो अर्तुगरुल के साथ हैं, वो बहुत इंप्रेसिव हैं। इस्लाम से रिलेटेड कोई ड्रामा सीरियल या कुछ इस तरह का आता है जिसके अंदर हमारे दीन को प्रमोट किया जाता है, तो उसके लिए मैं ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हूँ। सही, तो नेक्स्ट जो है वो इसके अलावा आप जो एक तो आपका वो क्लिप आ गया, कोई और आप ऐसा वैसा कोई क्लिप अर्तुगरुल से मिलता जुलता बना रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अक्सर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता हूँ कि अब नेक्स्ट मैं क्या बनाऊँ, नेक्स्ट मैं क्या बनाऊँ, तो जिस तरह मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ बनाई, इसी तरह मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी जो है वो नेक्स्ट भी कुछ वीडियोज़, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ आए मेरे पास, तो मैं इस तरह की वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो आप इंजन से आपने रब्ता करने की कोशिश की? रब्ता करने की कोशिश तो नहीं, मैं तो जो है वो विजिट प्लान कर रहा हूँ तुर्की का, और विजिट अगर प्लान हो जाता है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे कि इनकी कास्ट से जो है वो मेरी मुलाकात हो जाए। आप भी तुर्की जाएंगे तो सिर्फ अर्तुगरुल से मिलेंगे इंजन से, या फिर हलीमा सुल्तान से भी मिलेंगे? नहीं नहीं, बस असल तो जो है वो मैं अर्तुगरुल गाजी से ही मिलना है, और अगर बाकी किसी से मुलाकात हो गई तो कर लेंगे मुलाकात। अच्छा अच्छा, तो आपने बताया मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं? जी मेरा एक बेटा है। बेटा क्या नाम है? उस्मान? अब्दुल कबीर। अच्छा कबीर, गुड, माशाल्लाह। अच्छा मुस्तफा भाई, बताइएगा कि अर्तुगरुल के जो डायलॉग हैं वो बड़े फेमस हैं,
तो आपको तुगरुल के कौन से डायलॉग्स पसंद हैं, या कोई आपके अपने भी डायलॉग हैं? नहीं, मेरे अपने तो डायलॉग नहीं है। तुगरुल गाजी जब कहीं एंट्री मारता था तो वो बोलता था सुलेमान शाह ओलू और तुगरुल, वो एक भ्रम वाला उसका जो है वो डायलॉग था कि वो अपनी एंट्री में बताता था कि मैं कौन हूँ, तो वो इसका स्टाइल था। और दूसरा ये था कि मैंने इसके अंदर काफ़ी सीन के अंदर जो है वो देखा है कि जब इससे कोई तलवार लेने की कोशिश करता था तो वो उसको जो है वो मार के ये कहता था कि जब तक अपनी मैं चीज़ कोई खुद अपनी इजाज़त से नहीं दूंगा कोई मुझसे नहीं ले सकता। तो ये एक बड़ा जो है ना उसका ज़बरदस्त किस्म का डायलॉग था कि मेरी मर्ज़ी के अलावा तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकते जब तक मैं ना दूँ। और बाकी तो बस इस सारे सीज़न में जो आप क्या समझते हैं, आपने क्या नतीजा हज किया है जो अर्तुगरुल सारे सीज़न है, आई थिंक जितने भी 5-6 हैं, इसका रिज़ल्ट यही है कि यूनिटी मुसलमानों के अंदर अगर यूनिटी हो तो जो आज हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाएंगे। हमें अंदर अपने ही मुसलमानों से जो है वो थ्रेट है और बैरून थ्रेट से ज़्यादा ये है कि हमें अपने लोगों से थ्रेट है। अगर यूनिटी हो, एका हो, तो जो है वो हमें कोई डिफीट नहीं कर सकता। पुर्तगाल के पास तो जो है वो अपनी सवारी थी घोड़ा, आपके पास कौन सी सवारी? अब मेरे पास तो घोड़ा नहीं है, सोच रहा हूँ अब यहाँ का ट्रेंड देख के अब घोड़ा ही लेना पड़ेगा। अच्छा, तो घोड़ा और सात तलवार भी लेनी पड़ेगी, तलवार और पूरा कॉस्ट्यूम। बिल्कुल। नाज़रीन, ये थे मुस्तफ़ा हनीफ जो कि बिल्कुल शक्रो सूरत और मशाबत और मजाजन भी अर्तुगरुल से मिलते जुलते हैं। और पाकिस्तानी अर्तुगरुल के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि अगर पाकिस्तान में कल को कोई सीरीज़ आती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं, और अब हम बड़े पुरुम्मीद हैं जैसे कि पाकिस्तानी जो हैं वो इस ड्रामा सीरियल को बड़ा पसंद कर रहे हैं, अर्तुगरुल को बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो उनके पास अपना एक किरदार आ गया है। कैमरामैन राजन दीम के साथ अपने मेज़बान जो है मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।